स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस2टी में। आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में हम बात करेंगे ग्रिड सेल बैटरी बैंक्स के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इसका ज़रूरत क्यों है। मतलब बैटरी बैंक तो आप अपने मोबाइल चार्ज करने के लिए लगाते हो, भैया ग्रिड को संभालने के लिए क्यों लगाना चाह रहे हो? तो अब ये समझिए, ग्रिड में हमेशा से था स्टोरेज, मैं आगे दिखाऊंगा कि वो कैसे था। और सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए हमें ये चाहिए। मान लीजिए आप हॉस्पिटल में, आप हॉस्पिटल जनरेटर से कितना देर चल सकता है आपको? मतलब ठीक है, ग्रिड में एक दो घंटे लाइन गई आई गई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5-6 घंटा दिन चला या पूरा लाइन ही चला गया तो आप कैसे क्या करोगे? तो उस कारण से ग्रिड हमेशा चालू रहना चाहिए। ग्रिड जो है, ग्रिड में खुद वो एक्चुअली सिर्फ एक तार है। मतलब हम लोग ग्रिड इसलिए बनाए हैं कि बताइए, मान लीजिए इंडिया में 25-26 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, 300-400 कोल पावर प्लांट हैं, 150-200 डैम हैं। ये सब का पावर हम लोग को डायरेक्टली ना बेच के ग्रिड में डाला जाता है। ग्रिड में डालने से ये होता है कि अगर किसी एक पावर प्लांट का पावर आउटपुट कम बेसी हो गया या कोई ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको आराम से बांटा जा सकता है सबके बीच में, और इससे आप ग्रिड से हम लोग बिजली लेते हैं। ग्रिड कोई भी कंपनी मैनेज कर सकता है, मतलब एरिया वाइज कोई भी मैनेज कर सकता है कि भैया इस एरिया में रिलायंस हैंडल कर रहा है, इस एरिया में टाटा हैंडल कर रहा है, इस एरिया में सीधे इंडियन गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। लेकिन ग्रिड इंटरलिंक्ड है, मतलब सारा ग्रिड का एक पावर दूसरे पॉइंट तक आराम से जा सकता है, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है। हाँ, फ्यूजेज हैं, सेफ्टी नेट्स लगाए गए हैं, ऐसा नहीं कि आप यहाँ कुछ होशियारी करेंगे तो पूरा इंडिया का बिजली उड़ा दें, लेकिन आपको ये समझना है ग्रिड हमेशा चलना चाहिए। दूसरा, आजकल इसके बारे में डिस्कशन इतना इसलिए होने लगा है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग खुद रहे। जैसे आपको पता है इंडिया इसमें ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और चाइना हम लोग को फॉलो कर रहा है, शायद आगे निकल जाए, क्योंकि आधा से ज़्यादा चीज़ तो हम लोग वहीं से खरीद रहे हैं। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन सोलर के बारे में तो आपको पता ही, रात को तो बिजली देता ही नहीं है, तो आप करोगे क्या? और मान लीजिए बारिश के टाइम में आप क्या करोगे, या जिस टाइम में आपका डिमांड बहुत ज़्यादा या ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, उस पावर का आप क्या करोगे? आप इसको काटना पड़ जाएगा, आपको इसको बंद करना पड़ जाएगा, तो बंद करने से नुकसान होगा आपका, पैसा का नुकसान होगा, पैसा डूबेगा। तो इसलिए ये सब का ज़रूरत पड़ा। तो दो तरह के ज़रूरत होते हैं। तो एक ज़रूरत होता है जो पावर प्लांट का, पावर प्लांट के बारे में आप ये समझिए, जब हमारा जो ग्रिड है वो नेशनल है, क्योंकि मतलब सब जगह कनेक्टेड है, और ये इंटरलिंक्ड होने का तो फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है। कि फ़ायदा तो हो गया कि भैया पावर प्लांट अप डाउन हुआ तो दूसरा सब हैंडल कर दिया, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक पावर प्लांट जरूरत से ज़्यादा बिजली पैदा कर रहा है, बाकी सब लोग अगर हैंडल नहीं कर पा रहे तो पूरा ग्रिड उड़ाया जा सकता है। तो इसलिए सप्लाई और डिमांड हमेशा लगभग 99.9% तक सिंक रहना चाहिए, मतलब परफेक्ट बैलेंस चाहिए इसको, थोड़ा सा भी अप डाउन नहीं हैंडल कर सकता। हाँ, ग्रिड के मामले में थोड़ा अप डाउन का मतलब होता है 10-20 मेगावाट का अप डाउन, लेकिन आप ये समझ लीजिए थोड़ा सा भी अप डाउन नहीं हो सकता। और जब भी डिमांड पावर प्लांट्स जो है वो आपको एक कहती है बेस लाइन कैपेसिटी। जैसे एक कोर पावर प्लांट है, वो बोला कि भैया मेरे पास 1500 मेगावाट का बेस लाइन कैपेसिटी है, तो वो बेस लाइन का कैपेसिटी का सीधा ये मतलब होता है कि वो पावर प्लांट हमेशा 1500 मेगावाट बना रहा है, सुबह शाम दिन रात 24 घंटा हर सीजन में, हमेशा वो उसका बेस लाइन कैपेसिटी है। मतलब वो उससे ज़्यादा नहीं बना सकता और उससे कम भी नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर वो कम बनाता है तो वो ज़्यादा महंगा हो जाता है। वो इसलिए होता है कि जैसे आप समझिए ना, कोई बहुत बड़ा जनरेटर है, उससे आप सिर्फ मोबाइल चार्ज करोगे, वो आप बहुत ज़्यादा तेल वेस्ट कर रहे हो। हर जनरेटर का साइज मैच किया जाता है इसके लोड से। तो पावर प्लांट को जब डिज़ाइन किया गया कि भैया 1500 मेगावाट बनाओ, तो अगर आप मान लीजिए ऐसा हो गया अरे यार सिर्फ 1000 मेगावाट बनाओ, तो वो कोल जो है ऐसा नहीं कि उतना ही कम खाएगा, कोल ज़्यादा खाएगा, मतलब पर किलोवाट जो है आपका ज़्यादा खाएगा। इसलिए आप सुनते होंगे छोटा जनरेटर मतलब पर लीटर कितना किलोवाट दे रहा है, वो कम होता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ कुछ ही लोड चाहिए तो आप बड़ा जनरेटर नहीं लोगे, क्योंकि उसका कैपिटल कॉस्ट वेस्ट हो जाएगा आपका। तो इस कारण से ये प्रॉब्लम हो जाता है कि भैया ठीक है पावर तो आप बना रहे हो, लेकिन डिमांड तो अप डाउन होगा। जैसे यहाँ आप रात को देखिए, रात का डिमांड है बहुत कम है, पावर प्लांट ऊपर प्रोड्यूस कर रहा है। तो पावर प्लांट क्या करता है, उसको स्टोर कर लेता है। मैं आगे बताऊंगा कैसे स्टोर करता है। वो स्टोर करके उसको स्टोर किया, लेकिन दोपहर में ये हुआ कि भैया जब 12 बजे के आसपास की सब लोग का एसी फुल फोर्स में चलने लगा, सब लोग ऑफिस में आ गए, काम फुल स्पीड पे हो रहा है, खूब बिजली खा रहा है, अब वो बेस लाइन से ऊपर चला गया। इसको कहते हैं हम लोग पीक डिमांड। पीक डिमांड का मतलब ये हो गया कि अब ये बेस लाइन से ऊपर आ गया, तो अब गवर्नमेंट या जो भी है जो ग्रिड मैनेज कर रही है, वो आपसे दाम बढ़ा के बिजली लेगी। मतलब जैसे आप बिजली जब बेच रहे थे तो आप बेच रहे थे भैया 10 रुपया में 1 मेगावाट, पीक टाइम में आप बोलोगे भैया 30 रुपया में 1 मेगावाट, और वो खरीदेंगे क्योंकि उनको ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए ज़रूरी है, उनको खरीदना पड़ेगा। तो पीक टाइम में अगर आप बिजली बेच सकते हैं तो बहुत प्रॉफिट होता है। तो मैंने आपको बताया कि इसने बिजली स्टोर कर लिया था जिस टाइम कोई खरीद नहीं रहा था और ये 100% पर चल रहा था, उसको बेचेंगे और उससे ट्रिपल
ट्रिपल दाम पे प्रॉफिट उठाएंगे, और वो प्रॉफिट से मतलब एक दो साल के अंदर ही वो जो कैपिटल कॉस्ट लगा उतना बड़ा एनर्जी स्टोरेज का वो आराम से रिकवर कर लेते हैं और डबल प्रॉफिट पे चलते हैं उसके बाद। तो इसलिए पावर प्लांट करना चाहता है कि वो अपना कैपेसिटी वेस्ट नहीं करना चाहता, जरूरत से ज़्यादा कोल नहीं जलाना चाहता, मतलब पर मेगावाट। और ये सब हाइड्रो डैम में भी लगता है, मतलब हाइड्रो डैम का भी एक कैपेसिटी है, थोड़ा अप डाउन कर सकता है, ऐसा बात नहीं है कि कोई भी एकदम 100% रहेगा, लेकिन जनरली वो कोशिश करते हैं कि 100% पे चलते रहें। तो ग्रिड स्टेबलाइजेशन के लिए हम लोग को इस तरह का बैटरी बैंक चाहिए कि मतलब जो दिन में मतलब रात को चार्ज कर लें, दिन में डिस्चार्ज कर लें। दूसरा आते हैं हमारे रिन्यूएबल पावर सोर्स पे। तो रिन्यूएबल पावर सोर्स में सोलर पैनल्स के सिवा और मैं किसी और के बारे में बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि सोलर पैनल का दाम मतलब पर किलोवाट कितना दाम में वो पैदा कर रहा है वो ऑलमोस्ट मैच कर गया है, ऑलमोस्ट। मतलब अभी कोल से मान लीजिए 5 पैसे में 1 किलोवाट आ रहा है जो कि ग्रिड को बेचा जा रहा है, आपको नहीं, मतलब 5 पैसे में वो ग्रिड को बेच रहे हैं। सोलर लगभग आ गया है 6 पे बेच रहा है अभी, थोड़ा साल बाद जैसे जैसे कोल का दाम बढ़ता जाएगा। बोले कोल का दाम क्यों बढ़ेगा, अरे खदान है, खदान में आप खुदाई कर रहे हो, कोयला निकाल रहे हो, तो ज़िंदगी भर वहाँ से नहीं निकाल सकते ना, 10-20 साल में तो खदान को भी बंद करना पड़ जाता है और दूसरा खदान भी आप खोदोगे, प्लस उतना सारा ट्रेन, मतलब उसका एक्सपेंस बढ़ते जा रहा है, सोलर का टेक्नोलॉजी के चलते वो घटता जा रहा है। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहले $1 के लिए हम लोग करीब $70 खर्च करना पड़ रहा था, अब कुछ सेंट में ही हो जा रहा है, तो मतलब पहुँच रहे हम लोग प्राइस पैरिटी जिसको कहते हैं। तो विंड में ये अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो विंड के बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो सोलर बनाना चाहते हैं, इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है, अभी हम लोग 2000 मेगावाट का प्लांट बना चुके हैं, 600 मेगावाट का प्लांट बना चुके हैं, और मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया, आप यहाँ देख सकते हैं। और सब मिला के सोलर पावर तो आपने बना दिया, बिजली भी आ रही है बहुत बढ़िया से, लेकिन इसका कोई बेस लोड कैपेसिटी नहीं है। मतलब जैसे आपने एक शहर को बेच दिया, भैया मेरा ये सोलर फार्म है, इससे मैं 500 मेगावाट आपको दूंगा, आप गारंटी नहीं दे सकते कि भैया वो 500 मेगावाट हर दिन देगा। मान लीजिए किसी दिन थोड़ा से बादल आ गए, पावर कम हो गया, या किसी दिन बारिश हो गया, पावर खत्म हो गया, रात को तो वो सीधे देगा ही नहीं। तो इसलिए इसका नीड जो है, जो मतलब जो बैटरी बैंक इसको संभालने के लिए चाहिए, वो अलग है उससे जो डेली अप डाउन हैंडल करेगा। तो दो अलग तरह के नीड है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सबसे हॉट टॉपिक के बारे में कि इलॉन का टेस्ला बैटरी बैंक। नाउ ये बहुत अच्छा है छोटे स्केल के लिए, आप ये समझिए ये बहुत अच्छा है छोटे स्केल। जैसे मान लीजिए आपने एक छोटा गांव है, गांव में आपने लगा दिया 10 मेगावाट, गांव का पावर कंजप्शन बेयरली है 2-3 मेगावाट का, लेकिन आपने 10 मेगावाट का बनाया और बैटरी लगा दिया कि भैया बैटरी वो दिन भर चार्ज करता रहेगा, जब भी दिन में ओवर प्रोड्यूस कर रहा है चार्ज कर, रात भर भी चलता रहेगा बैटरी से। तो गांव के लोगों को दिन भर 24/7 बिजली मिल रहा है, मतलब 2-3 दिन से अगर बारिश हो रहा होगा तो बात अलग है, लेकिन जनरली उनको दिन भर ये मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, और वो लोग खुश हैं अपना। तो उस तरह के छोटे स्केल पे ये बहुत बढ़िया है, और इससे ग्रिड में भी जोड़ा जा सकता है। जैसे ये मैं फोटो दिखा रहा हूँ, ये कैलिफोर्निया ग्रिड में जोड़े हैं ये, इसलिए कि कैलिफोर्निया में कई बार ब्लैकआउट हो जाता है कि पावर बहुत ज़्यादा ये डिमांड हो जाता है लेकिन सप्लाई नहीं आती, सप्लाई आने में टाइम लगता है, वो जो 5-6 मिनट का टाइम रहता है उस दरमियान बिजली कट जाती है। तो उसको स्मूथ आउट करने के लिए ये करते हैं, तो ये रात को सस्ते बिजली में चार्ज कर देते हैं, दिन में महंगे बिजली में बेचते हैं, तो उससे जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट से आप इसका पैसा देते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट खत्म करते हैं और उसके बाद आप अपना रॉ प्रॉफिट लें। लेकिन ये अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है, मतलब अभी ऐसा नहीं कि आप पैसा डालो अभी खरीद लो, जैसे मोबाइल फ़ोन जैसे नहीं हुआ ये कि अरे हाँ हमको 10 पीस दो या 20 पीस भेजो, ऐसा नहीं है, अभी नहीं पहुंचा है उस लेवल पे। और इलॉन मस्क के चलते ये बहुत पॉपुलर हो गया एकाएक, लेकिन इलॉन मस्क के साथ यही सबसे बड़ा बहुत ज़्यादा भावनाओं में रह जाता है, मतलब टाइमलाइन कुछ भी बोल देता है, मतलब क्या वो कर सकता है, क्या वो डिलीवर दे सकता है, डिलीवरी कर सकता है कि नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं, मतलब बस बोल दिया कि 1 साल में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन होता तो कुछ है नहीं। तो ये सब का सिचुएशन देख के मुझे यही बस प्रॉब्लम यही है इलॉन मस्क का है। लेकिन ये लोड बैलेंसिंग के लिए जो मैंने आपको पहले वाले में दिखाया था कि रात में कोई बिजली नहीं खा रहा लेकिन पावर प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है और दिन में जरूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, तो उसको कहा जाता है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग के लिए बैटरी बैंक आराम से घंटों का लोड बैलेंसिंग हैंडल कर सकता है, डेली जो मतलब दिन रात वाला हो सकता है, और वीकली कर सकता है, लेकिन ये कई महीनों का नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए आपका ठंडे में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है उतना, लेकिन आप सोचा कि अरे भैया पूरा ठंडे भर का हम बिजली स्टोर कर लेते हैं, गर्मी में निकालेंगे, उतना देर ये नहीं रख सकता अपने पास बिजली, ये खुद ब खुद डिस्चार्ज होता है ओवर टाइम, मतलब समझिए कैपेसिटी यूसेज। जैसे मान लीजिए आप बैटरी चार्ज करके रख दिए, 1 महीने बाद तो वो जीरो हो ही जाता है, भले आप यूज़ करो चाहे नहीं करो। तो इसलिए इसका टाइम में लिमिट है, वीकली भी बहुत हो गया, जनरली ये डेली ही अप डाउन हैंडल कर सकता है। तो आइए दूसरे टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं, ये है फ्लो बैटरी। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो फ्लो करते हैं, मतलब फ्लूइड है, फ्लो कर रहा है, लेड एसिड जैसा नहीं उसमें, तो वो मतलब एक्चुअली वहीं स्थिर रहते हैं और उसको जेल में भी बदला जा सकता है, जो आपके UPS में लगाया जाता है। ये फ्लो बैटरी में एक्चुअली पंप लगा के पंप किया जा रहा है।
इसका फ़ायदा यह है कि इसमें कोई पावर लॉस नहीं, मतलब आपने ये कंटेनर में 800 किलोवाट बिजली डाल दी, आपने कंटेनर को पैक कर दिया और आप भूल गए कि अरे भूल गए कुछ साल पहले किया था चार्ज मैंने इसको, तो आप सोचोगे भैया ये तो ज़ीरो हो चुका होगा, नहीं 10-20 साल बाद भी आप निकालोगे 800 किलोवाट पूरा का पूरा निकल जाएगा। ये इसका खासियत है, मतलब इस पर आप मान लीजिए ठंडे में आपका सोलर पावर प्लांट खूब बिजली पैदा कर रहा है लेकिन लोग ख़त्म ही नहीं कर रहे, आप इसको आराम से ठंडे में चार्ज करते रहो, और गर्मी में जब जरूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तब आप इससे डिस्चार्ज करो। और इसका डिग्रेडेशन नहीं होता है, मतलब जैसे आप लिथियम बैटरी में आपके जो मोबाइल में है लैपटॉप में है उसमें जो प्रॉब्लम है वो उस टेस्ला पावर वॉल और पावर रैक में भी है कि ओवर टाइम मतलब जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी। आपने 1 मेगावाट का प्लान खरीदा, पैकेट खरीदा, मतलब पूरा पैकेज लगा दिया और वो धीरे धीरे पहले 0.8 हो जाएगा, फिर 0.9 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, ऐसे ऐसे घटते चला जाएगा उसका, इसका कैपेसिटी नहीं घटता। हाँ इसमें चीज़ है जो टूटेगा, मोटर ख़राब होगा या मतलब इसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा लेकिन पावर नहीं लॉस होगा आपका इसको। लेकिन अभी थोड़ा सा और R&D करना है, थोड़ा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आगे बढ़ाना है इसको, और इलॉन मस्क नहीं है तो पूरी दुनिया इग्नोर ही कर दे रही है, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये है, अब मैंने आपको बताया था कि पावर प्लांट्स हमेशा के पास हमेशा से ये ऑप्शन था कि वो बिजली को स्टोर करें, वो स्टोर करते थे पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली खुद का डैम बना लिए। तो ये फोटो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक डैम है और यहाँ एक रिजर्वायर है, क्या किया जाए, रिजर्वायर ऊपर है तो पानी जब जरूरत से ज़्यादा बिजली पैदा कर रहा है यानी रात को, तो ये लोग क्या करते हैं पानी इससे लेके इस पे पंप कर दे रहे हैं, और जब दिन में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली चाहिए जो मतलब ये डैम नहीं प्रोड्यूस कर, यहाँ से टरबाइन चलाया जाता है, इससे आपका आराम से पीक डिमांड का इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, मतलब 70-80 साल से हम लोग कर रहे हैं। इसका नुकसान बस ये है कि बहुत बिजली बर्बाद हो जाता है, मतलब आप 1000 मेगावाट डालिएगा तो सिर्फ 700 मेगावाट निकलेगा, इसका इफिशियंसी कम होता है। आजकल के नए टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम में 80% तक पहुंच सकते हैं लेकिन इफिशियंसी कम होती है। दूसरा, आपको ये ऐसा जगह चाहिए जहां हाइट का आपको बहुत इजीली, मतलब आप राजस्थान तो नहीं बना पाएंगे, राजस्थान पूरा फ्लैट है, आपको कुछ मिलेगा नहीं, मतलब हाइट डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, बनाना पड़ेगा हाइट डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट खर्च हो जाएगा, और जहां पे भी बनाए वहां पानी होना चाहिए। लेकिन इसका फ़ायदा, इससे ज़्यादा टेस्टेड टेक्नोलॉजी कोई है नहीं। आप बस ये समझिए, आपको पानी लेना है ऊपर डालना है, चार्जिंग आप ऐसे कर रहे हो, डिस्चार्जिंग के लिए आप इसको टर्बाइन से ले जा रहे हो, और कुछ नहीं करना है आपको, कुछ और करना ही नहीं है, एकदम सिंपल चीज़ है, हम लोग बहुत साल से कर रहे हैं। और इसका साइज़ 10-20 मेगावाट तक लिमिट नहीं है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक भेजा हूँ वो लिंक है 2000 मेगावाट यानी कि 2 गीगावाट के कैपेसिटी का वो बैटरी बैंक है, जो रात में सस्ते बिजली में चार्ज करता है, दिन में महंगे बिजली में बेच देता है, और उससे उसका प्रॉफिट आता है, कैपिटल कॉस्ट का रिकवर हो चुका है, वो लोग सीधा प्रॉफिट पे चल रहे हैं। तो ये सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी है हमारे पास की, लेकिन ये हर जगह नहीं यूज़ हो रहा, जिसमें राजस्थान में आपके पास पानी तो है नहीं, ऊपर से पानी ले भी आओ तो आपका हाइट डिफरेंस कहाँ से लाओगे। तो वो सब के कारण ग्रिड का होने से एक फ़ायदा ये है कि आप राजस्थान में अपना सोलर बनाइए और उसको स्टोर करने के लिए आप उसको हिमालय में स्टोर करिए, ग्रिड से बस आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ग्रिड लेवल का बिजली स्टोरेज के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला हो, अच्छा लगा हो, अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट लिखिए और कि आप क्या देखना चाहेंगे आगे एपिसोड में फ्यूचर फ्राइडे में, और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, मैं वीडियो हर दिन बनाता हूँ, और आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई।